नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले क्लास में नंगे पैर नामक एक कहानी देखा। अब बताइए, इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कौन है? बेबी। उसको एक ही पैर था। उसे साधारण बच्चों की तरह बाहर नहीं जा सकते। उनका एकमात्र सहारा पुस्तक, और घर में कुछ लोग आते हैं, उनसे बातें करना और रेडियो से गीत सुनना आदि है। ठीक है, आगे देखिए। जाड़ा गया और गर्मी आई, धूप कुछ तेज पड़ने लगी थी, कोलतार की सड़क तपने लगी थी, पर पोस्टमैन आता, उसके पास छाता नहीं, साइकिल नहीं और जूता भी नहीं था। धूप से उसका चेहरा लाल पीला होता, पसीने से उसकी कमीज पीठ से चिपकी रहती, सूखे अधरों पर वह सबान फिराकर लजीली हंसी हंसता और डाक देकर लौट जाता। धूप से जलते नंगे पैर घूमता रहता। बच्चों, हमने पिछले क्लास में बताया, बेबी के घर में अब डाक लेकर बूढ़े पोस्टमैन के बदले एक नए पोस्टमैन आता था। वो तो नंगे पैर से ही आते हैं, वो तो चप्पल नहीं पहनते थे। ठीक है, जाड़ा गया और गर्मी आई। जाड़ा माने कोल्ड, गर्मी हॉट। धूप कुछ तेज पड़ने लगी थी, कोलतार की सड़क तपने लगी थी। कोलतार माने टार, जो सड़क धूप से तपने लगी थी। पर पोस्टमैन आता, उसके पास छाता नहीं, छाता माने अम्ब्रेला, और साइकिल नहीं, जूता भी नहीं था। ये नए पोस्टमैन को छाता, साइकिल और जूता भी नहीं था, फिर भी वह धूप से चलते हैं। पसीने से उसकी कमीज पीड़ से चिपकी रहती, पसीना माने स्वेट, वे तो पसीने से उसकी कमीज पीड़ से चिपकर रहती है। सूखे अधरों पर वह सबान फिराकर लजीली हंसी हंसता और डाक देकर लौट जाता। वो तो घरों में अपने सूखे अधरों से, सूखे माने ड्राइड, सूखे अधरों पर अपने हंसी हंसता और डाक देकर लौट जाते हैं। धूप से जलते नंगे पैर घूमता रहता, वो तो बिना चप्पल से ही चलते हैं। ठीक है, उसने माँ से पूछा। माँ, वह पोस्टमैन नंगे पैर ही क्यों घूमता है? बेबी अपनी माँ से पूछा कि माँ, वह पोस्टमैन क्यों नंगे पैर से ही घूमते हैं? माँ ने कहा, चाइन से कोई नंगे पैर घूमेगा बेटी? पैरों में डालने के लिए उसे मिलता न होगा। माँ ने उत्तर दिया कि उसे पैरों में डालने के लिए चप्पल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। बेबी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह उस पोस्टमैन को नंगे पैर चलने नहीं देगी। यह तय करते ही उसे सुखद अनुभूति हुई। देखिए, बेबी अपने मन ही मन निश्चय किया। क्या निश्चय किया? देखिए, पोस्टमैन को नंगे पैर से चलने नहीं देगी। बेबी अपने मन से निश्चय कर लिया कि उस पोस्टमैन को बिना जूते से चलने नहीं देगी। यह तय करते ही उसे सुखद अनुभूति हुई। तय करना माने निश्चय करना। बेबी अपने मन से ही निश्चय कर लिया कि पोस्टमैन को नंगे पैर से नहीं चलने देगी। ठीक है, हमेशा आने वाला मोची जब घर आया, तब बेबी ने उसे पास बुलाया और 5 रुपया उसके हाथ में देकर धीमी आवाज में कहा, मुझे इसके जूते बना दो। मोची माने कॉबलर। जब मोची बेबी के घर में आया, तो बेबी ने अपने पास उसे बुलाया और 5 रुपया उसके हाथ में दिया और कहा कि मुझे इसके जूते बना दो। हरीबा ने सिर हिलाकर कहा, बना दूंगा बहन, नाप ले लूं। वह बोली, अरे मेरे पैर का नहीं, फिर किसके लिए? हरीबा ने पूछा। जब बेबी हरीबा मोची से जूते बनने के लिए जो पैसा दिया, तो उसने कहा कि बना दूंगा लेकिन नाप
ले लूँ। नाप माने मेजरमेंट, जो जूता बनने के लिए मेजरमेंट चाहिए। वह बोली, अरे मेरे पैर का नहीं, फिर किसके लिए? हरीबा ने पूछा। बेबी ने बताया कि ये जूते मेरे लिए नहीं। उस समय हरीबा ने पूछा कि तो किसके लिए? इस प्रश्न को सुनकर बेबी एक उलझन में पड़ गई। उसको लगा कि मानो अब सारा खेल बिगड़ने जा रहा था। अंध में प्रतीक्षा करते हुए मोची से उसने कहा, 2 दिन के बाद आओ हरीबा, मैं माप दूंगी। देखे मोची हरीबा ने बताया कि जूते बनने के लिए नाप लेना चाहिए। यह सुनकर बेबी बड़ी मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि उसके पास नाप नहीं है। उसको लगा कि मानो अब सारा खेल बिगड़ने जा रहा था। अंत में प्रतीक्षा करते हुए मोची से उसने कहा, 2 दिन के बाद आओ। बेबी ने अपने मन में किसी प्रतीक्षा से कहा कि 2 दिन के बाद आइए, उस समय मैं माप दूंगी। ठीक है। Today we see the third part of the story, Nange Pair, written by Venkatesh Madgulkar. As the winter passed and the sun began to shine, the charred road began to heat up. But the postman continued his journey without a bicycle and without an umbrella. He delivered the letter laughing with dry lips. Seeing this, baby asked her mother why he was traveling barefoot. The mother replied that it was probably because he did not have sandals. Hearing this, baby decided not to allow the postman to walk barefoot anymore. The next day, when the cobbler came, baby asked him to make a pair of sandals. But he told her that he needed the size of the sandals. It made her think a lot. However, she asked him to come after 2 days. Okay? मैं सोचता हूँ कि आज का पढ़ भाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।